हाय हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरा नींबू का पौधा। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठंडक हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी इसकी टेक केयर कर ली जाए। आप देख रहे हैं इस गमले में कुछ और पौधे भी हैं, तो आज इन पौधों को हम निकालेंगे। और इस सर्दी के मौसम में जब धूप थोड़ी सी कम मिलती है, तो इस पौधे का ध्यान नींबू का हम लोग, ताकि अच्छी तरह इसको सब चीज़ें मिट्टी से मिलती रहें अकेले इसको, ताकि अगले सीज़न में ये मुझे फल दे सके। ये देसी नींबू है और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है फल देने में, तो आज इसकी टेक केयर हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस पर वर्कआउट करते हैं और आप देखिए किस तरीके से हम लोग ये काम करेंगे। ओके, स्टे ट्यून विद मी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इन पौधों को जो है इनको हम कहीं और लगाएंगे और मैं इनको निकालता हूँ। और आवाज़ आप सुन रहे होंगे, आसमान में कहीं हेलीकॉप्टर भी है, सब लोग काम में लगे हैं, तो हम भी थोड़ा सा इस पर काम कर लें। मैंने इसको मिट्टी को पानी नहीं दिया था ताकि थोड़ी सी ये भुरभुरी हो जाए और हम लोग इसको निकाल सकें। काफ़ी टफ सा टास्क लग रहा है, काफ़ी अच्छी जड़ें जो हैं वो लग रहा है कि फैली हुई है, नीचे तक गई हुई है। होता क्या है कि सारी जो नींबू को मिलना चाहिए प्रोटीन, वो ये पौधा लेके जा रहा है, तो हम इसको दूसरे गमले में ट्रांसफर कर देंगे ताकि हमारे नींबू को पूरे प्रोटीन जो है वो मिल सके। छोटा सा पौधा ये लगाया था और ये देखिए काफ़ी ग्रो कर गया। काफ़ी गहरी तक इसकी जड़ें गई हुई हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको अलग कर लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको इंडोर मैं इसको लगाऊं, तो देखिए कितनी अच्छी जड़ें हैं इसकी, तो इसके ऊपर हम काम बाद में करेंगे। पहले हम ज़रा नींबू महाशय को ठीक कर लें। ये लीजिए, ये सेंसिटिव एरिया का प्लांट है, ये तो मैं इंडोर लगाऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है एयर हमारे घर की प्योरीफाई करने के लिए, उसका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जड़ें इसकी ये काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको अलग कर लेंगे और अलग अलग प्लांट्स के अंदर लगाएंगे। मैंने अपने घर में हर कमरे के अंदर ये लगा रखा है, किचन में भी ये लगाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैसेस वहीं पे बनती हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो वहीं पर ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। देखिए कितना अच्छा प्लांट है ये अंदर यहाँ इसमें पानी अब्जॉर्व कर लेता है, और काफ़ी टफ है ये प्लांट, और ग्रीन है, बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, इसको भी हो गया। अब हमारा जो लेमन है, हम इसको थोड़ा सा इसकी गुड़ाई कर देंगे।
मैं इसमें अब अपनी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास एक खाद है जो मैंने तैयार की थी केले के छिलकों से बनाना पील, और मेरे पास एग शेल को मैंने ग्राइंड करके रखा है, वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो वो दोनों खाद जो मैं इसमें दूंगा। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नींबू के, जिनके घर में पौधे हैं, कि धूप की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पे इनको धूप मिलती रहे, इनको अच्छी धूप मिले तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो सर्दियाँ आ गई हैं तो इनको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इनका, कि इनको धूप मिलती रहे, और इसीलिए मैंने इस पौधे को बाकी पौधों से अलग कर दिया है, इसमें से निकाल दिए हैं पौधे, ताकि इसको, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए सर्दियों के अंदर, ये अच्छा रिच अच्छे तरीके से सब अब्जॉर्व करे, और नेक्स्ट गर्मियों के अंदर ये मुझे जो है फल दे। तो उसी की तैयारी हम अभी कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सर्दी आ गई है, हल्के हल्के इसके पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं, तो इसको थोड़ी सी टेक केयर की ज़रूरत है जो हम इसको देते रहेंगे। इसको अच्छी धूप वाली जगह पर रखकर इसका पूरा ध्यान रखेंगे, इसको अच्छी धूप मिले और पानी इसको मिलता रहे। पानी इसको आप सुबह के टाइम दे दीजिए, शाम के टाइम, ये मिट्टी इसकी जो है वो गीली रहे, पानी चाहिए होता है नींबू को, तो ये हमने ध्यान रखना है थोड़ा सा अगर हमने इससे फल लेने हैं तो। तो ये छोटा सा है लेकिन ये फल हमें देगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हमने गुड़ाई भी कर दी है इसकी और अब इसमें हम खाद डालेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे इसमें खाद डालने की, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैं इसमें, मैंने आपको एक और फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था कि बनाना पील से ही जो बनाते हैं हम पानी में डाल के, विद इन 3 or 4 days वो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आप ये देखिए, ये मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र जो है, ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र ये तैयार पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो लीजिए, ये मैं एक फर्टिलाइज़र में यूज़ इसमें डालता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो इसके फ़ौरन बाद पानी जो है हम लोग नहीं डालेंगे। जो ये फर्टिलाइज़र है इसको हम अब्जॉर्ब होने देंगे, क्योंकि मेरा पॉट थोड़ा सा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल रहा हूँ, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी इसके नहीं है तो मुझे कोई ऐसी चिंता नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं ये ध्यान रखूँगा कि इसको डालने के बाद मैं तकरीबन 2 घंटे तक इसको पानी नहीं दूंगा। तो मैं आज पानी इसको नहीं दूंगा, शाम को मैं इसमें पानी डालूंगा, ताकि जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिशन चीज़ें हैं वो ये सॉइल जो है उसको अब्जॉर्ब कर ले, और जब मैं पानी डालूंगा तो वो अच्छी तरह घुल के मिट्टी में मेरे पौधे तक पहुँच सके। तो आप भी इसी तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए, वर्कआउट करिए, तो हमारे पौधों के लिए ये अच्छा रहेगा। और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा टफ़ कंडीशन है नींबू के लिए, क्योंकि ये धूप बहुत पसंद करता है, तो थोड़ी सी टेक केयर जो है हम नींबू की एक्स्ट्रा करेंगे। इसमें इस टेक केयर में थोड़ा सा ये भी शामिल है कि आप क्या करिए कि पानी की बॉटल आपके पास हो, तो क्या होता है कि डस्ट थोड़ी सी नींबू के ऊपर पत्तों पर आ जाती है, तो वो स्प्रे करके आप थोड़ा सा उसको साफ़ कर लें। जैसे ये देखिए थोड़ी सी डस्ट है, ये देखिए पत्तों पे डस्ट, ठीक है। तो हम स्प्रे करेंगे पानी का, ताकि ये डस्ट क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से जो धूप है वो इन पत्तों तक और उन पर पहुँचती रहे। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स, ये नींबू की पौधे की केयर जो मैंने आपको बताई वो आप टेक केयर करेंगे अपने पौधे की, और नेक्स्ट सीज़न में हम इसको अच्छा ग्रीन पाएंगे और इससे फ्रूट भी लेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके काम का होगा,
तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम लोग टच में रहें और भी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ें जो घर में आमतौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, हम लोग करते हैं और इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, हम उससे ही ये सब चीज़ें बनाएं, करें और अपनी बागवानी करें तो मज़ा रहता है। इंस्टीड ऑफ कि बाहर से ख़रीदा चीज़ों को ये नहीं है मेरे पास और इसी चक्कर में हम लोग बागवानी से दूर हो जाते हैं, तो हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे नुस्खों से हम अपनी बागवानी कर सकते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आपके घर में पौधे हों और आसपास का एनवायरनमेंट आपका ग्रीन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हम ऑलरेडी एनवायरनमेंट को पहुँचा चुके हैं। तो होपफुली मिलते हैं फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद मी नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, ओके, गुड बाय।